हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दिखा रहा हूँ आपको BMW G310R। ये देखिए इससे कुछ ओवरव्यू। ये देखिए बैक से, ये इसकी साइड लुक। ये देखिए इसका फेस, ये देखिए BMW का लोगो, काफ़ी बड़ा लोगो मिलता है। ये इसका इंडिकेटर है, ये इसकी हेडलाइट, इस साइड में आर की बैजिंग, इस साइड में से 310। ये काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, सीट टंकी काफ़ी बड़ी है। ये देखिए इसके शॉकर्स, इसका एग्जॉस्ट स्ट्रोक है जो कंपनी से आता है। इसकी बैक लाइट कुछ, इसके इंडिकेटर्स हैं, ये इसकी सीट, इसका टैंक काफ़ी बड़ा है, ये इसका स्पीडोमीटर। ये देखिए जिसमें आपको इसमें मिलता है, इसमें डिजिटली फ्यूल शो होता है, ये कितनी टोटल चल चुकी है, डिजिटल स्पीड दिखाता है। ये गियर शो करते हैं, इसमें टाइम भी दिखता है। ये ट्रिप वन है इसका, ये ट्रिप टू। ये इंजन टेम्परेचर शो करती है, 80 सेल्सियस टेम्परेचर है इसके इंजन का। ये इसकी रेंज, ये फ्यूल इसमें कितनी चलेगी, 332। ये देखिए ये स्पीड वगैरह, ये डेट आज का डेट है, इसका सेटअप वगैरह। ये नीचे इसका RPM मिलता है 12 तक। अब मैं सुना आप इस एग्जॉस्ट की साउंड, ये सुनिए। इसकी एग्जॉस्ट साउंड काफी लाउड है, जो आपने भी सुनी होगी। ये देखिए फ्रंट सस्पेंशन काफी बड़े हैं। ये इसका अलॉय, इसमें मिचलिन के टायर मिलते हैं, वो भी कितने इंच के हैं इसमें। इसके अंदर तो टायर की प्रोफाइल मिलती है 110/70 R17 की, इस टायर की मिलती है, रेड कलर के लो हैं इसके, काफ़ी मोटे टायर से। उस साइड इसकी डिस्क ब्रेक मिलती है। ये इसका गियर लगाने के लिए, बैक का टायर काफ़ी मोटा मिलता है अगले से, तो काफ़ी मोटा है। इसकी जो प्रोफाइल थी टायर की 150/60 R17 की, अगले से काफ़ी मोटा टायर मिलता है। इसके पीछे की रियर डिस्क ब्रेक, इसका शॉकर, पीछे फुटस्टेप्स मिलते हैं इसके। इसका ब्रेक है, ये फ्लूइड डालने के लिए डिस्क ब्रेक में, जो काफ़ी बड़ा शॉकर है। ये डुअल टोन कलर्स में आती है ये वाली। ये पीछे पकड़ बैठ के पकड़ने के लिए, ये देखिए देखिए हैंडल, इसमें लाइट्स को लाइट्स के कंट्रोल लाइट्स ऑन, हाई बीम लो बीम के, इसके इंडिकेटर के लिए, ये नीचे इसका हॉर्न, ये हॉर्न है इसका। ये बीच में BMW लोगो मिलता है, इस साइड में पावर स्टार्ट करने के लिए, इसके मिरर्स, इसके क्लच, इसकी टंकी काफ़ी बड़ी है। इसका जो ये इंजन है 310 cc का इंजन है इसका, ये जो निकाल के देता है पावर, होता है 30 Nm का टॉर्क और 28 BHP निकालता है ये इंजन। ये इसका रेडिएटर है इंजन कूल करने के लिए। ये इधर इसमें हॉर्न मिलता है इधर इसका,
इसके अंदर 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। कंपनी जो इसकी एवरेज शो करती है 30 के एमपीएल की, कंपनी इसकी एवरेज शो करती है। ये देखिए नॉर्मल फ्लड लाइट, हाई बीम करी भाई से, देखिए नॉर्मल लाइट ऊपर जलती है नॉर्मल में, ये इसकी डीआरएल, इसे नीचे करेंगे तो हाई बीम ऑन हो जाती है इसकी। ये इसका साइड का इंडिकेटर ये देखिए, ये बैक इंडिकेटर काफ़ी बड़े लगते चलते हुए। ये इसकी ब्रेक लाइट काफ़ी अच्छा ग्लो करती है। ये इसके इंडिकेटर्स